छोटू कहाँ है? सारा दिन ज्यादा नजर नहीं आया। वो कुछ दिन से जरा चुप चुप सा है, अपने खिलौनों से खेल रहा होगा। बेटी जाकर जरा देखाओ, कहो खाने के लिए आ जाए। क्या दादा अप्पू कोरोना वायरस से मर जाएंगे? बेटा आपके दादा अप्पू को कोरोना वायरस नहीं है। लेकिन अगर उन्हें लग गया तो? परेशान ना हो बेटा, आपके दादा मुकम्मल एहतियात कर रहे हैं। छोटू मुझे खुशी है कि तुम्हारे दिल में जो बात थी तुमने कह दी। बेटा बात करना जरूरी है, चलो हम सब बताते हैं कि पिछले चंद हफ्ते में किस बात ने हमें परेशान किया और हमने उसके लिए क्या किया। मैं अपनी सुबह की वॉक मिस करता हूँ, लेकिन अब मैं सुबह उठकर वर्जिश के बाद नहाता हूँ, साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, अखबार पढ़ने के बाद काम से मुतल्लिक फोन सुनता हूँ। रोजाना की इस रूटीन से अब मैं बेहतर महसूस करता हूँ। सब लोगों के घर होने से मेरा काम बढ़ गया था, मगर जब आप लोगों ने मेरी मदद करना शुरू की तो मुझे अच्छा लगा। आप सब मेरा बहुत ख्याल करते हैं और अब तो मेरे पास नॉवल पढ़ने का भी वक्त निकल आता है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच है। इतने दिन तो मैं खुद को यही कहती रही कि ये सब कुछ भी नहीं, अपने दोस्तों से मिलने का प्लान बनाती रही, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि ये सब तभी ठीक होगा जब हम हालात को समझते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। अब हम जान गए हैं कि तुम किस बात को लेकर परेशान थे, तो अब बताओ तुम इसके लिए क्या करोगे। मैं दादाबू को वीडियो कॉल करूँगा। शाबाश, हम सब कभी कभी फिक्रमंद होते हैं, मगर एक दूसरे से बात करने से परेशानी का हल निकल आता है। बाबा क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ जब मैं गेम्स खेलना चाहूँ? नहीं। अच्छी कोशिश थी बेटा। बात करना जरूरी है, आप भी कीजिए, इस सूरत हाल में हम सब साथ हैं। रोजन हेल्पलाइन बराए नफ्सियाती सेहत 03041111741।